तो हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली, और दिल्ली और वो झंडा देख लीजिए हमारा भारत का। अरे रंजीत भैया तो हम लोग अभी सब भैया सब साथ में और कुछ जाएंगे वैष्णो देवी के लिए, तो हमारे व्लॉग के साथ बने रहिए। और ये है छोटी गंगा, यही ये जो सीन नहीं था, ये छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दी। ये को बेला है, एक बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? देखिए दिल्ली आ गए, दिल्ली मेरा दोस्त नहीं पहचानने यार, दिल्ली वाले क्या पहचानेंगे। तो आज दिल्ली से निकल के और आज जम्मू शहर में पहुंच गए, और जम्मू कश्मीर कब का इन कर चुके थे। जम्मू कश्मीर में नदी ऐसा होता है हमें, लेकिन पत्थर कुछ ज्यादा है, लाल लाल तरफ बालू ज्यादा होता है। और ये हम हैं अभी, और हम हैं अभी समझ जाइए वैष्णो देवी। अभी रात का समय है, कल हम लोग चढ़ेंगे और जो भी है पहाड़ चढ़ते हुए वैष्णो देवी को जाएंगे, और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। करेंगे अपने जहाँ होटल हम लोग मतलब हमेशा भैया रुकते हैं वहाँ पे मतलब जाएंगे और हम लोग रुकेंगे। जस्ट अभी निकलने वाले हैं और भैया हम लोग सब जा रहे हैं वैष्णो देवी के लिए, सोनू भैया और ये रईस, हम लोग इसमें रुके थे और जाना है उधर। अगर कोई आप लोग वैष्णो देवी आते हैं तो ये खास बताता हूँ कि मतलब आप आने से पहले मतलब चढ़ने से पहले वैष्णो देवी चढ़ने से पहले ये वेरीफाई कराना पड़ता है आधार कार्ड के थ्रू। आप लोग आधार कार्ड के थ्रू वेरीफाई कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा, और ये मिलने पर ही चढ़ने दिया जाएगा। पाँच घंटे छः घंटे लगते हैं, देखिए बस अभी निकल रहे हैं, तो हमारे पीछे अमित भैया आ रहे हैं, बाकी यादव राज भैया, यादव राज को जानते होंगे, यादव राज भैया राइटर हैं, लिरिस्टिक्स जिसको कहते हैं, यादव राज सुनू कर नया आवाज। और जो लोग चढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए ये घोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। और एक चीज़ हमें यहाँ गलत लगता है कि जब आप नहीं चढ़ पाते हैं तो घोड़ा तक तो हद तक सही है कि घोड़ा पे गधा चढ़ के चल गया, लेकिन अगर नहीं दर्शन करने में असमर्थ है तो नीचे ही से गोल लग के घर जाइए। एक मतलब ऐसा भी सिस्टम है यहाँ पर कि चार लोग एक औरत को मतलब एक आदमी भी औरत भी कुछ भी हो कंधे पर लेके जा रहे हैं। यहाँ भी अगर आपको ताकत है नहीं है तो चार लोगों को तकलीफ क्यों दे रहे हैं, आपको वो चार लोग मिलकर चढ़ा दे रहे हैं लेकिन आप नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो फिर भी जय माता दी, भगवान करे हमें हिम्मत दे हम चढ़ पाए अकेले। धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते शरीर में गर्मी आना स्टार्ट हो रहा है, और अमित भैया यादव राज भैया उनके पीछे और फिर हम बोले थे ना कि मतलब लोग देखिए कैसे जाते हैं। और ये चढ़ान पर यानी बहुत ज़्यादा चढ़ान रहता है यहाँ पे। यही है, देखो आदमी कैसे टंगा के जाता है, यह देखिए चार लोग मिल के टांगते हैं लोगों को और फिर भी वो चार लोग कैसे जाते होंगे, क्या हुआ? तो एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए लिया गया है ये, क्या इसे कहीं ना कहीं बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर पर है तो भाई हमने के चाड़े में। और राजा नाम भैया कैसा लगा था को? बड़ी अच्छा लगा था भाई, वहाँ और अभी चाड़ो देखे ऊपर है, हाँ ऊपर जीबो। और जितना भी हमने देखा वाला माघी की जितना भी देखे वाला हमने अभी देखी कितना ऊंचा है, मतलब खड़ा ढलान अगर सीढ़ी से उतरवे हमने ना तो सीढ़ी से नहीं चढ़ पेबे, चाहे चढ़वे तो फिर चढ़वे एरा दिखा उतरवे सीढ़ी से। अभी बहुत बहुत दूर है भैया, देखा कितना चढ़ रही है, मतलब इतना दिखा दें आप लोग को हम लोग कैसे कैसे आ रहे हैं। मतलब अमित भैया और यादव राज भैया अभी पीछे उन लोग पता ना घोड़े करके आ रहे हैं, लग रहा था कि अमित भैया मतलब आएंगे चढ़ के, लेकिन खटैक फिर से बहुत तेज चढ़ना है भैया, बहुत तेज रेस, बहुत थकान हो चुका है, पूरा स्पीड में आ रहे। अभी आओ चढ़ो भाई, तो नहीं देख एक कोना चढ़े हैं तीन कोना बाकी, अब पता नहीं एको कोना पूरा हुआ है कि नहीं, हो जाएगा पूरा जाम नहीं। जय भवानी। और बस
आवाज मतलब पूरा तेज है अभी, अभी और तेज होना है, रुके नहीं, अभी दौड़ रहे थे, फिर मतलब ब्लॉग में कुछ बताने के लिए आए। वैसे वैसे आते हैं नीचे से, और सब नीचे से हम लोग इतना चढ़ चुके हैं, अमित भैया आ रहे हैं, आ रहे हैं ये, और हम भी, अब दोनों, जय माता दी, जय भवानी। अभी सबसे आ गए हम लोग, और ऐसे ही चढ़ते चढ़ते एक बार चढ़ जाएंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे कि हम लोग पहुंच गए। और देखिए घोड़े पर गधे बैठकर जाते हैं, माउंटेन ड्यू, सूर्य डूबने वाला है, और देखिए यहाँ का नज़ारा, और हम यहाँ इस तरीके से ले रहे हैं यहाँ पर से, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है, और यहाँ पर ठहरने का स्थान, हम लोग इतनी ऊंचाई पर हैं जितनी ऊंचाई पर प्लेन उड़ता है, और यहाँ पे मतलब ठहरने का स्थान है ऐसा बनाया गया है, और सीन बहुत ही झकास है, और देख लीजिए आप लोग यहाँ पर लोग हैं। पढ़ाई ख़त्म होता है और भैया भी बस रील उल बनाएंगे, और हम लोग सब साथ में रील बनाएंगे, देखिए टॉप पे उधर तक दिखाना, मतलब चढ़ना है वैसे, अब मतलब चढ़ाई नहीं, चढ़ान नहीं है, बस चढ़ना था चढ़ गए, अब सेम में जाना है। अरे वो कहाँ सा होने उस चांद का मुकाबला क्या होगा इस चांद के आगे, क्या नज़ारा है यार, जन्नत बसता है यहाँ, यह कितने लोग हैं, ये हो गया संदीप भैया, ये हो गया अमित भैया, हाय बोल दे भैया, रमे बहुत झकास आ रहे हैं, अमित भैया, अमित भैया, अमित भैया, हेलो हेलो, हाय बोल दे, हाय बोल दीजिए, कान में यार फोन लगावे की वजह से इनको सुनाई नहीं दे रहा था। जो आपको दिखाई दे रहा है यही वैष्णो माता है, और माँ वैष्णो देवी, और यहाँ से ये दिखाते हैं आपको, ये जय माता दी, हाँ। जय माता दी, और सब पहुँच गए, मात्र एकदम 500 मीटर दूर ही है, हाँ। माता के दरबार बहुत नजदीक, प्रफुल्लित हो गए लोग, हाँ। अब दर्शन होते अच्छा से, उसके बाद फिर 2.5-3 किलोमीटर ऊपर भैरव बाबा के चढ़ाई करना है, तनिको गोड़ नहीं पिरा रहे किस, नहीं अब नहीं एको नहीं पिरा रहे ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो लगा ही लगा है, और बाद अगर चढ़े लगा तो कोई मतलब दर्द नहीं, सब दुख दर्द माता सहाय रहो, बोलो प्रेम से जय माता दी, जय माता दी। तो हम लोग दर्शन कर लिए, और दर्शन करके आए हैं, और ये रहा प्रसाद इसमें है, और मोबाइल मतलब माँ वैष्णो का मूर्ति उर्ति हम दिखाने के लिए चाह रहे थे, लेकिन मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि अगर मोबाइल कोई लेके जाता है तो फोटोए लोग इतना खींचे लगे ना, इसीलिए कोई भी मतलब कोई मतलब जैसे मतलब कोई जैसे चमड़े का सामान ये सब कुछ भी नहीं जाता है, और कोई भी चीज़ मतलब वैसा पदार्थ भी नहीं जाता जो मतलब वहाँ पर ही मना है, तो बहुत कुछ यहाँ पर ही मना है, और अगर आपको देखना है वैष्णो देवी माँ का मतलब पूरा मूर्ति या पूरा दर्शन करना है तो भैया आपको तो आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, और यहाँ से दर्शन करके अपने मन को शांति मिलेगा, आप जो आइए जरूर मिलेगा शांति, और बहुत अच्छा लगता है दर्शन करके, पूरा एकदम सुकून मिलता है, सुकून नहीं कहते हैं आय है सुकून, तो सुकून यही मिलता है। और ये रहा माँ वैष्णो देवी का मंदिर, और यहाँ से फिर से एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, ये जो चमचमाता दिख रहा है यही पूरा मंदिर है, और इसके चक्कर लगाने में मतलब चारों तरफ से मतलब ये नहीं कि सीधा सीधी है, कहीं मतलब अति है क्या कहते हैं, कहीं रास्ता है, और कहीं कहीं गुफा है, और गुफे का रास्ता है कहीं कहीं, और बहुत मतलब एक जगह से मतलब दूसरे जगह जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भीड़ बहुत यहाँ हमेशा यानी रोज़ लाखों भक्त आते हैं और दर्शन करके जाते हैं, तो आप लोग भी आइए और माँ का दर्शन कीजिए, सुकून मिलेगा, और भगवान और यही माँ वैष्णो देवी आपको हमेशा खुश रखेंगे और सुकून देंगे। और हम लोगों का रूम था ये, अब निकलने वाले हैं, ये भैया तैयार हो गए यहाँ से लिए, और निकलेंगे हम लोग, और यादवराज भी है इसमें, तैयार हो गया सब कुछ, ठीक है ना?